इस वीडियो में आपको बता दूंगी कैसे आप अपना BYOB 30E में डेवलपर ऑप्शन को कैसे इनेबल करना है। अगर आपको इनेबल करनी नहीं है और कैसे इनेबल करना है डेवलपर ऑप्शन, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। लिख देता हूँ फोन डिस्प्ले पे, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर कीजिए। अगर आपको भी डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना है, उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा या फिर सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस होगा, तो सिंपली नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा है रिवॉर्ड फोन करके, रिवॉर्ड फोन पे क्लिक कीजिएगा और सिंपली आपको नीचे आ जाने की, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन दिख रहा होगा, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिल नंबर आपको दिख रहा होगा, बिल नंबर पे क्या करना होगा, 7 बार आपको टाइप करनी। चलिए मैं 7 बार टाइप करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 बार टाइप किया, और यहाँ पे आपको पैटर्न देनी होगी, जो भी आपका स्क्रीन लॉक है या फिर मेन पैटर्न लॉक है वो यहाँ पे दे देनी होगी। चलिए मैं दे देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए दे दिया। देने के बाद यहाँ पे देखिए यू आर एन आई या डेवलपर, यानी कि आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो गया। तो यहाँ पे फिर से आपको सेटिंग्स में आ जानी होगी। आने के बाद यहाँ पे नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सिस्टम करके, सिस्टम पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन एक ऑप्शन शो होने लगा। तो सिंपली डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए आपका डेवलपर ऑप्शन है वो इनेबल हो गया। तो इस तरह यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं अपने BYOB 30E में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर कीजिएगा।